स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल क्लासरूम के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को या अपने टीम मेंबर्स को कुछ वर्क असाइन करते हैं या अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो वो एग्जाम आप किस तरह से कंडक्ट करवा सकते हैं और जब आपके स्टूडेंट्स उस एग्जाम को कंप्लीट कर लेंगे तो वो अपना वर्क कैसे सबमिट कर सकते हैं अपने टीचर को और जब आपके स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेते हैं और अपने वर्क को रिटर्न सबमिट करते हैं अपने टीचर्स को तो टीचर्स को उन एग्जाम पेपर्स को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से आप उनको मार्क्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सबमिशन ऑफ द आंसर्स ऑफ द पेपर, ये सारी चीजें मैं इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल के लिए या अपने ऑफिस वर्क के लिए उन पेपर्स के उन आंसर शीट्स के कुछ सैंपल्स अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करके रिकॉर्ड में रखना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप डिजिटली पेपर्स को कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 200 300 400 बच्चों की कॉपीज चेक कर रहे हैं तो आपके पास इतना सारा मटेरियल हो जाएगा जिसका आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप डिजिटली उनको कैसे चेक कर सकते हैं और डिजिटली चेक करने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को वो वर्क कैसे रिवर्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं या नहीं करी हैं, ठीक है। उन गलतियों को आप हाईलाइट करके वापस उस वर्कशीट को या आंसर शीट को स्टूडेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं उनके मार्क्स के साथ में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो अगर आप मिस कर देते हैं तो आप पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है जब मैं ये स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे वर्क को असाइन करना है, कैसे मार्क्स असाइन करने हैं, कैसे उनके आंसर शीट्स को चेक करना है, कैसे स्टूडेंट्स आंसर शीट को आपके पास रिटर्न करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स आंसर शीट्स को आपको सबमिट करेंगे, ठीक है। ये सारी प्रोसेस भी मैं इसमें बताने वाला हूँ, किस तरह के फॉर्मेट वो आंसर शीट स्टूडेंट को सबमिट करनी है अपने टीचर्स को और टीचर उस आंसर शीट्स को कैसे चेक करके अगेन रिटर्न करेंगे अपने स्टूडेंट्स को और मार्क्स असाइन कर पाएंगे उनके वर्क के लिए, ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई परेशानी आती है, कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आ रही है या आप कहीं पे फंस जाते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल, ठीक है। पहली चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू कोई भी असाइनमेंट कैसे असाइन करना है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स उस असाइनमेंट को कैसे ओपन करेंगे, कैसे उस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे और कैसे उस असाइनमेंट को कन्वर्ट करेंगे उस फाइल फॉर्मेट में जिस फाइल फॉर्मेट में उन्हें वो असाइनमेंट टीचर्स को सबमिट करना है, ठीक है। फाइल फॉर्मेट में चेंज करने के बाद वो कैसे उस असाइनमेंट को टीचर को सबमिट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीचर कैसे उस असाइनमेंट को चेक करेंगे, अगर उस असाइनमेंट में कोई मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे हाईलाइट किस तरह से करेंगे और अगेन मार्क्स के साथ में अपने स्टूडेंट्स को कैसे रिटर्न करेंगे, ठीक है। इतनी प्रोसेस जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो क्लास है PWNI3 क्लास 1, ठीक है, ये क्लास मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो और क्लासेस बनी हुई हैं जिनका नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका नाम जो है वो मैंने हाइड करा हुआ है और इन क्लासेस में मैं एज अ स्टूडेंट कनेक्टेड हूँ, ठीक है। ये क्लासेस किसी और ने बनाई हैं और मैं एज अ पार्टिसिपेंट या एज अ स्टूडेंट इन क्लासेस में एडेड हूँ, ठीक है। जब आप गूगल क्लासरूम बनाते हैं तो दो तरह के आपके यूज़र होते हैं, एक होता है टीचर यूज़र और एक होता है स्टूडेंट यूज़र, ठीक है, एक होता है एडमिन यूज़र और एक होता है पार्टिसिपेंट यूज़र। अगर आप एडमिन यूज़र हैं तो आप उस पूरी क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं और अगर आप स्टूडेंट यूज़र हैं तो उन क्लासेस में एडमिन जो भी चीज़ें आपको असाइन करेगा आप उस असाइनमेंट को कम्प्लीट करके उस वर्क को कम्प्लीट करके देख सकते हैं, एज अ पार्टिसिपेंट आप उन वर्क को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्योंकि जो क्लासरूम मैंने बनाया है मैं उसका एडमिन हूँ, मैं उसका टीचर हूँ, तो मैं उस क्लास को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। गूगल क्लासरूम को ओपन करने के लिए आपको छोटा सा यूआरएल टाइप करना रहता है classroom.google.com, इतना टाइप करके जब आप एंटर करेंगे तो आपकी जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल क्लासरूम बनाई होगी अगर वही ईमेल आईडी आपकी लॉगिन होगी तो आप अपनी गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होगी तो वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपकी गूगल क्लासरूम बनी हुई है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बेसिक जो होता है गूगल क्लासरूम का। यहाँ पे ये जो तीन बार्स आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको अपनी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएंगी,
ठीक है, बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखाई दे जाएगी। इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है बेसिकली असाइनमेंट्स कैसे आप बच्चों को असाइन कर सकते हैं और बच्चे कैसे आपको सबमिट कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम में आपको कुछ भी करने से पहले एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, जिस प्लगइन का नाम है कामी PDF एंड डॉक्यूमेंट एनोटेशन, ठीक है। आपको गूगल पे ये टाइप करना है कामी जी सूट मार्केट प्लेस, ठीक है। इतना आप जब टाइप करेंगे तो ये जो फर्स्ट लिंक आपके पास आएगी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये कामी का जो प्लगइन है ये ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये जो प्लगइन है ये पूरे ड्राइव के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरे ड्राइव के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल करा हुआ है पहले से ही, आप लोगों को ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है और ये प्लगइन सिर्फ टीचर को इंस्टॉल करना है, स्टूडेंट को इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। टीचर को भी तभी इंस्टॉल करना है जब वो कंप्यूटर से गूगल क्लासरूम का यूज़ कर रहे हों। अगर वो मोबाइल से गूगल क्लासरूम का यूज़ कर रहे हैं तो उनको इस प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कंप्यूटर या लैपटॉप से गूगल क्लासरूम को यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें ये प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है एनोटेशन करने के लिए PDF डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर वो मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं गूगल क्लासरूम तो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए ये प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से गूगल क्लासरूम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे आपको अपने गूगल क्लासरूम में जाना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। आपकी क्लासरूम जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी, मतलब जो प्लगइन आपने इंस्टॉल करा है वो इस क्लासरूम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लासरूम को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल क्लास कोड, ये क्लासरूम का कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि आप टीचर हैं, ठीक है। आपके पास स्ट्रीम, क्लासवर्क और ग्रेड्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ग्रेड्स का ऑप्शन आपको इसलिए मिलता है क्योंकि जो आप वर्क असाइन करते हैं उसकी ग्रेडिंग आप कर सकते हैं, आप बच्चों को ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं जब वो वर्क आपको सबमिट करेंगे, इसलिए ग्रेड्स का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। पिपल टैब के अंदर आप टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, अपने पार्टनर टीचर्स को ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लासवर्क के थ्रू आप सारे क्लासेस असाइन कर सकते हैं, इवन आप यहाँ से मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं ये गूगल कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल करने के लिए कैलेंडर जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी वही ईमेल आईडी है, यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर तो यहाँ पे एक नया गूगल मीट को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है क्योंकि ये मेरी फ्री वाली आईडी है। यहाँ पे मैंने कर दिया माय क्लास मीट लिंक, ठीक है। और अगर आप इसे रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं, अगर आप इसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो ये जो मीटिंग है ये आपके पास सिर्फ एक ही दिन के लिए, एक ही टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। जो भी टाइम आपने लिखा है उस टाइम के लिए, एक ही दिन के लिए ये बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये मीटिंग क्रिएट कर ली है, आप इस मीटिंग की लिंक को यहाँ से कॉपी करिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपने क्लासरूम में वापस आइए, यहाँ स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आप इस लिंक को अपने पूरी क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पे आपने ऐड करा और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने लिंक के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे आपने इस लिंक को पेस्ट कर दिया और ऐड लिंक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गई है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए साइंस क्लास एट 10 AM टुडे, ज्वाइन द क्लास यूजिंग बिलो गिवन लिंक, ठीक है। जैसे ही आप ये करके पोस्ट करेंगे तो आपके क्लास के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास ये लिंक चली जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं मेरी मोबाइल स्क्रीन को अब शेयर करने वाला हूँ और मोबाइल स्क्रीन पे जो गूगल क्लासरूम मैं ओपन करूँगा वो एज ए स्टूडेंट ओपन करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको मोबाइल से दिखाऊंगा कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें कैसे दिखाई देंगी और मैं सिस्टम से दिखाऊंगा टीचर्स सारी चीज़ों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल से कैसे सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मोबाइल से गूगल क्लासरूम को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लास दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। जैसे ही आप इस क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लिंक है ये आ गई है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं इस क्लास में ज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में गूगल क्लासरूम के थ्रू मीटिंग भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें मीटिंग में ज्वाइन भी करवा सकते हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू। आपको अलग से लिंक कहीं पे भी भेजने की जरूरत नहीं है, गूगल क्लासरूम में आप स्ट्रीम के अंदर इस तरह से पोस्ट कर देंगे और मेंशन कर देंगे कौन सी क्लास कितनी बजे है तो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग उस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि स्ट्रीम जो टैब है, टीचर को उस स्ट्रीम टैब को कैसे यूज़ करना है। वो ऐसे मीटिंग्स अगर बनाना चाहते हैं या कुछ मैसेज अगर वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपने पूरे क्लास को, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कुछ बच्चों को मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए, जैसे आपने यहाँ पे वापस से क्लिक करा शेयर के ऊपर, तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट और पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा टिक करने के लिए। अगर आप ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर टिक करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा, और अगर आप कुछ पर्टिकुलर बच्चों के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास वो मैसेज जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मैसेज को कुछ लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और सभी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है कि आपको मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है गूगल क्लासरूम के थ्रू। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको असाइनमेंट कैसे शेड्यूल करना है या बच्चों को असाइन करना है। ठीक है, तो आपने असाइनमेंट असाइन करने के लिए क्लासवर्क टैब के ऊपर क्लिक करा है। ठीक है, अब आपको क्लासवर्क टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट के ऊपर आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आप असाइनमेंट असाइन करना चाहते हैं, क्विज असाइनमेंट असाइन करना चाहते हैं, क्वेश्चंस असाइन करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप उन्हें देना चाहते हैं, आप मटेरियल देना चाहते हैं। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी आपको सिर्फ असाइनमेंट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करा। अब आपका जो असाइनमेंट है वो PDF फॉर्म में रेडी होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में उनको सबमिट कर सकते हैं, बट PDF में सबमिट करने का फ़ायदा ये है कि वो इजीली एडिटेबल नहीं होता है, तो बच्चे उस डॉक्यूमेंट पे कुछ छेड़खानी ना करें, इसलिए आप जो भी असाइनमेंट है वो एज अ PDF फॉर्मेट में शेयर करें उनके साथ में, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट का टाइटल दे दिया है, मान लीजिए असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर 1। आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द अटैच्ड असाइनमेंट एंड क्लिक पिक्चर यूजिंग फोन, कन्वर्ट पिक्चर्स इन PDF एंड सबमिट योर वर्क इन गिवन डेट। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूरी क्लास को असाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म में आपने ऑल स्टूडेंट्स कर लिया, पॉइंट आप उन्हें जितने देना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए 50 मार्क्स का ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, ड्यू डेट आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, जो कि मैंने सेट कर दी है 6 तारीख। ठीक है, ये ड्यू डेट यहाँ पे शेड्यूल हो गई है। ठीक है, सिलेक्ट हो गई है, ये ड्यू डेट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, टॉपिक अगर आप कुछ यहाँ पे देना चाहें तो आप टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं टॉपिक यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। टॉपिक क्रिएट करने का फायदा ये होता है कि जो भी टॉपिक आप क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बन जाता है। ठीक है, इस क्लास के अकॉर्डिंग एक फोल्डर बनता है गूगल ड्राइव के अंदर, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बन जाता है टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग एक फोल्डर बन जाएगा, तो आपके जितना भी असाइनमेंट का मटेरियल रहेगा जो स्टूडेंट्स आपको सबमिट करेंगे वो उस फोल्डर के अंदर सेव होता जाएगा। तो टॉपिक बनाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका जो वर्क है वो दूसरों से अलग रहे और उसका एक फोल्डर अलग ही बन जाए आपके ड्राइव के अंदर। ठीक है, जो नाम मैंने टाइटल में दिया है वही नाम मैं यहाँ पे टॉपिक में भी रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप रूब्रिक्स भी दे सकते हैं अगर देना चाहें, बट अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करके फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बना के रखी हुई है, तो अगर आपकी फाइल कंप्यूटर में है तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल आपके ड्राइव पे है तो आप माई ड्राइव से आप उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल कंप्यूटर पे है तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके ब्राउज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और अपने फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने ओपन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने ओपन के ऊपर क्लिक करा आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल अटैच हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस है, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, स्टूडेंट्स कैन एडिट फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। आप यहाँ पे सिर्फ कर दीजिए स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, क्योंकि ये क्वेश्चंस की फाइल है, असाइनमेंट की फाइल के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ उसे देखना है और कुछ भी नहीं करना है, तो आप इसे सिर्फ कैन व्यू फाइल के ऑप्शन पे ही रहने दीजिए। अब इतना करने के बाद आप ये असाइन कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं या सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपको असाइन अगर करनी है तो आप असाइन कर सकते हैं, शेड्यूल अगर आप करना चाहते हैं आगे की डेट के लिए तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो शेड्यूल करने से क्या होगा, आपका जो वर्क है आपने अगर शेड्यूल करके रखा हुआ है, जैसे ही वो डेट आएगी उस डेट पे वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो मैंने असाइन के ऊपर क्लिक कर दिया है, यहाँ पे लिख के आ गया है असाइनिंग। अब ये वर्क जो है ये असाइन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आ गया है असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर 1 इनसाइड द क्लासवर्क टैब। अब मैं यहाँ पे वापस से आ गया हूँ स्टूडेंट अकाउंट पे मेरे मोबाइल फ़ोन के थ्रू। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, देखिए यहाँ पे आ गया न्यू असाइनमेंट।
असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर 1 असाइंड यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पीडीएफ फाइल दिख जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट को क्या करना है, इस पीडीएफ फाइल को ओपन करना है। 50 पॉइंट का ये असाइनमेंट है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ड्यू डेट यहाँ पे लिखी हुई है थर्सडे। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट असाइनमेंट की फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल इस तरह से दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर जब आप गूगल क्लासरूम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ को एनोटेट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एनोटेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कराई, ऊपर जो पेन बना हुआ है तो यहाँ पे नीचे कई सारे एनोटेशन आ गए। इसलिए हमें मोबाइल के अंदर एनोटेशन के प्लगइन को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कंप्यूटर में जब हम गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं तब हमें एनोटेशन के प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई टीचर गूगल क्लासरूम को यूज़ कर रहा है तो उन्हें असाइनमेंट चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एनोटेशन का टूल पहले से ही है। कंप्यूटर के अंदर वो एनोटेशन का टूल नहीं है, जिसकी वजह से हमने कामी प्लगइन को इंस्टॉल करा हुआ है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट को तो यहाँ पे कोई एनोटेट नहीं करना है, पीडीएफ फाइल स्टूडेंट के सामने ओपन हो गई है। उन्हें क्या करना है, उन्हें पर्टिकुलर इस असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं एक पेज का यूज़ करके अपने हैंड राइटिंग में उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद उन्हें क्या करना है, उन्हें इस तरह से इस ऐप को बंद कर देना है। ठीक है, इस ऐप को बंद करने के बाद अगर उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है तो अब उन्हें क्या करना है, अब उन्हें अपने वर्क की फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। ठीक है, फ़ोटोज़ जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं ये एक फ़ोटो क्लिक करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फ़ोटो एक क्लिक कर ली। ठीक है, मान लीजिए मैंने दूसरी फोटो क्लिक कर ली, दो पेज का मेरा जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैंने ये दो फोटोज़ को क्लिक कर लिया है। अब मैंने कैमरे को बंद कर दिया, मैंने नॉर्मल मोबाइल के कैमरे के थ्रू फोटोज़ को क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब उन फोटोज़ को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे लिखना है इमेज टू पीडीएफ। ठीक है, इमेज टू पीडीएफ आप जैसे ही करेंगे आपको ये इमेज टू पीडीएफ के कुछ एप्लीकेशन दिख जाएंगे। मैं आपको दो एप्लीकेशन सजेस्ट कर दे रहा हूँ, एक तो ये है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, जेपीईजी टू पीडीएफ ऑफलाइन। ठीक है, एक ये कन्वर्टर है और एक ये कन्वर्टर आप यूज कर सकते हैं, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। ये दोनों ही मैंने यूज करके देखे हुए हैं। ठीक है, ये दो में से कोई एक भी कन्वर्टर आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पीडीएफ कन्वर्टर को ओपन करना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने यूज़ करा है वो ऑफलाइन, जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था ऐप, वो वाला यूज़ करा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कैमरा में जाएंगे और फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपने फोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया, दोनों फोटोज़ को। अब आप यहाँ पे इमेज को सॉर्ट भी कर सकते हैं बाय नेम, या अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, अगर आपको चेंज करना है इमेजेस को तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ए टू जेड या जेड टू ए, इस तरह से आप इमेज को सॉर्ट कर सकते हैं ऑर्डर में। ठीक है, आपने सॉर्ट कर लिया है इमेजेस को, अब आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पे जैसे ही आपने क्लिक करा, ये पीडीएफ का कुछ नाम सेट करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पे नाम सेट कर दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम जो है, मैंने वो नाम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं मेरा असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिशन ऑफ असाइनमेंट कंप्यूटर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नाम लिख दिया है डॉक्यूमेंट का, जिस नाम से आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले आप कंप्रेस पीडीएफ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में थी तो आप कंप्रेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे वो आपसे क्वालिटी पूछेगा कि आपको क्वालिटी कैसी रखनी है, तो आप यहाँ पे 50% भी क्वालिटी रख सकते हैं, और अगर आपको कंप्रेस नहीं भी करना है तो आप 100% क्वालिटी रख के कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बता दिया पीडीएफ सेव्ड अंडर इंटरनल स्टोरेज पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है, अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन करके देख लीजिए, ये ओपन करने को बोल रहा है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है ये यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई है। ठीक है, ये फाइल जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस फाइल को सबमिट करना है। ठीक है, तो मैंने यहीं से ही शेयर के ऊपर क्लिक करा। अगर आप यहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप यहां से बैक चले जाइए, इस सॉफ्टवेयर से बैक चले जाइए। अब अपने गूगल क्लासरूम को वापस से ओपन करिए। ठीक है, यहां पे नीचे आपको योर वर्क लिखा हुआ दिखेगा और एरो दिखाई देगा। इस एरो के ऊपर आप स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ, यहां क्लिक करेंगे उस एरो के ऊपर तो वो इस तरह से स्लाइड होकर ऊपर आ जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, ऐड अटैचमेंट करना है। जैसे ही आप ऐड अटैचमेंट करेंगे यहाँ पे आपको ये फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपकी जो फाइल बनी है अभी वो फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
तो यहाँ से देखिए मैं आपको फाइल सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए फाइल आ गई है, 9 MB की फाइल यहाँ पे बनी है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसे कंप्रेस नहीं करा था, 100% क्वालिटी पर रखा था, इसलिए 9 MB की होगी। कई बार क्या होता है फाइल ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है, तो आप उसे बनने से पहले ही कंप्रेस अगर कर देंगे तो वो कम साइज़ की बनेगी, ठीक है। आप उसे अटैच कर दीजिए, देखिए यहाँ पर अटैच हो गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हैंड इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपने हैंड इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, हैंड इन योर वर्क, फाइल का नाम आ गया है, ठीक है। वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर वन हैंड इन। जैसे ही आप हैंड इन के ऊपर क्लिक करेंगे सेकंड टाइम, तो आपका वर्क जो है वो सबमिट हो गया। देखिए अब यहाँ पे लिख के आ गया अनसबमिट। आप चाहें तो अनसबमिट भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि आपने कुछ गलत चीज अटैच कर दिया, तो आप यहाँ से अनसबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी जब तक मैंने अनसबमिट नहीं करा है, मेरा ये जो वर्क है वो मैंने मेरे टीचर को रिटर्न कर दिया है, सबमिट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे वापस टीचर के गूगल क्लासरूम पे आना है, जो कि मेरे कंप्यूटर से एक्सेस हो रहा था। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे क्लास वर्क के ऊपर आया, यहाँ असाइनमेंट के ऊपर मैंने क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं जब आप इस असाइनमेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टर्न इन और असाइंड 0, क्योंकि मेरी क्लासरूम में एक ही बच्चा था, तो यहाँ पे असाइंड 0 दिखा रहा है क्योंकि एक ही बच्चा था और उसने भी असाइनमेंट सबमिट कर दिया, टर्न इन कर दिया, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। अगर किसी ने भी सबमिट नहीं करा होता तो टर्न इन के अंदर 0 होता और असाइंड के अंदर 1 होता। अब जब आप इस टर्न इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस बच्चे का स्टेटस दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आप उसे यहाँ पे पॉइंट्स असाइन कर सकते हैं असाइनमेंट चेक करने के बाद में, और ये जो असाइनमेंट उसने सबमिट करा है वो आपको यहाँ पे दिख गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट जो उस बच्चे ने अपने हाथों से लिख के सबमिट करा था वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, ये असाइनमेंट जो उसने सबमिट करा था वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस असाइनमेंट को चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए आप मोबाइल फोन से अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एनोटेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक हाईलाइट करनी हो तो आप एनोटेट करके हाईलाइट कर सकते हैं, बट कंप्यूटर में देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्योंकि हमने कामी को इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू विंडो, ठीक है, तो ये देखिए ये अभी ड्राइव के ऊपर हो रहा है, ठीक है, ये अभी ड्राइव के ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एनोटेट विथ कामी, ठीक है, यहाँ पे भी ओपन विथ का एक ऑप्शन है जो कि सेम है, यहाँ से भी आप ओपन विथ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ओपन विथ कर सकते हैं, ठीक है, ये ओपन विथ का ही ऑप्शन है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ओपन विथ आपने कर दिया, एनोटेट विथ कामी आपने इसके ऊपर क्लिक करा, तो कामी का जो टूल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट कामी में इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने जो इसका साइज़ था, ठीक है, व्यू साइज़ था, उसे आपने मिनिमाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं इस कामी टूल के थ्रू, अगर आप इस PDF को एनोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे एनोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायल पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसका फ्री वर्जन टूल यूज़ करा है और इसे मैंने एज अ टीचर यूज़र मैंने इसे रजिस्टर्ड कराया, तो इसने 30 डेज़ का मुझे ट्रायल दिया है। बेसिकली ट्रायल जो होता है वो कुछ फीचर्स के लिए ही वर्क करता है, ठीक है, जैसे कि इक्वेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको 30 डेज तक ही मिलेंगे अगर आप ट्रायल पीरियड यूज़ करते हैं। मतलब फ्री वाले कामी के अंदर आपको कुछ ही ऑप्शंस यहाँ से मिलेंगे एनोटेट करने के लिए, कुछ ऑप्शंस जो हैं वो पेड हैं, और पेड वाले ऑप्शंस आपको 30 दिन के लिए ट्रायल पीरियड में मिलेंगे, जो आप यहाँ पे 30 दिन तक फ्री में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो टूल्स जो हैं वो यहाँ से लॉक हो जाएंगे, ठीक है, आप उन टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट बेसिक जो टूल्स हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ड्राइंग टूल है, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे एनोटेट करना है, आपको वर्क को चेक करना है, तो आपने इस तरह से वर्क को चेक कर दिया, ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखना है गुड, ठीक है, वर्क, तो आपने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया और आपने इस वर्क को जो है वो चेक कर दिया, ठीक है, इस तरह से आपने चेक कर दिया वर्क को। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इस तरह से आपने वर्क को चेक कर दिया और आपने यहाँ पे सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो वैसे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सेव होता जा रहा है, ठीक है, ऑटो सेव यहाँ पे होता ही है, ठीक है, आपने इसे सेव कर दिया है। और अब आपने जब इसे सेव कर दिया तो आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। बंद करने के बाद जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो फाइल ओपन हुई थी टीचर पोर्टल के अंदर, ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे टीचर पोर्टल पे आया, आपको देखिए यहाँ पे ये
आपके चेक करने के जो मार्क्स थे वो यहाँ पे दिखाई देने लग गए हैं, ठीक है। तो टीचर पैनल पे तो ये मार्क्स आपको दिखने लग गए हैं। अब आप यहाँ पे चेक करने के बाद ग्रेड असाइन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 40 मार्क्स जो है वो असाइन कर दिए हैं स्टूडेंट को, और आपने यहाँ पे लिख दिया है गुड वर्क, एक कमेंट आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, और आपने इसे पोस्ट कर दिया है, ठीक है। पोस्ट करके आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक है, आपने ये मार्क्स जो है वो बच्चे को रिटर्न कर दिए। तो अब उसे अपने वर्क के सबमिशन के बाद जो टीचर की तरफ से मार्क्स मिलने थे वो मिल गए हैं। अब मैं मोबाइल स्क्रीन पे आके वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ स्टूडेंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट अकाउंट के थ्रू रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन आ गया है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 40 out of 50, और मुझे मेरा जो असाइनमेंट है वो भी दिख रहा है। मैं इस असाइनमेंट को क्लिक करता हूँ, ये असाइनमेंट यहाँ पे ओपन हो रहा है। देखिए जैसे ही मैंने असाइनमेंट स्टूडेंट अकाउंट में ओपन करा है, यहाँ पे टीचर के थ्रू जो असाइनमेंट चेक हुआ था, जो राइट के जो मार्क्स थे जो टीचर ने असाइनमेंट को चेक करके उसके ऊपर ड्रॉ करे थे, जो टिक मार्क टीचर ने असाइनमेंट को चेक करने के बाद ड्रॉ करे थे फाइल के ऊपर, वो यहाँ पे स्टूडेंट विंडो में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट के असाइनमेंट को चेक कर सकते हैं और उन्हें रिवर्ट कर सकते हैं और उन्हें मिस्टेक भी बता सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक करी है तो वो इस तरह से स्टूडेंट को रिटर्न कर सकते हैं चेक करके, मार्क करके असाइनमेंट को, और इसका जो प्रूफ है वो उनके पास भी रहेगा और स्टूडेंट के पास भी रहेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया है यहाँ पे मार्क्स भी मिल गए हैं बच्चे को, असाइनमेंट में अगर उसने कुछ गलती करी है या कुछ सही करा है वो भी यहाँ पे कर दिया है। अब अगर स्टूडेंट चाहे तो एक और अटैचमेंट भेज सकता है टीचर को, रीसबमिट कर सकता है अपना असाइनमेंट, ठीक है, अगर वो रीसबमिट करना चाहे तो, ठीक है। तो ये आज का ट्यूटोरियल था हमारा कि हम कैसे गूगल क्लासरूम का यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए टीचर के पैनल से, और स्टूडेंट के थ्रू जो असाइनमेंट सबमिट हुए हैं टीचर के पैनल से आके हम उन असाइनमेंट्स को कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी मार्किंग कैसे कर सकते हैं। अगर हम पेपर्स असाइन कर रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम लेना चाहते हैं इस गूगल क्लासरूम के थ्रू, तो हम वो एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर चेक करके उन्हें कैसे रिवर्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। आपको कामी प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है दो तरीके से। पहला तरीका था ये जी सूट के थ्रू, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता रहा हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है कामी फॉर गूगल क्रोम, ठीक है, ये कामी का एक्सटेंशन भी है, इसको भी आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका काम जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो कामी ड्राइव के ऊपर भी आपको इंस्टॉल कर लेना है और एज अ एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने क्रोम पे एज अ एक्सटेंशन कामी को इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने ड्राइव के ऊपर कामी को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो दो तरह से आपको कामी को इंस्टॉल कर लेना, बाकी सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। देखिए ये टीचर पैनल पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करा था, देखिए यहाँ पे कमेंट भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट के नाम के आगे, और मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेडेड में ये भी दिखा रहा है कि कितने लोगों की ग्रेड टीचर ने दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको ग्रेड्स में भी जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जितने भी असाइनमेंट्स हैं उनकी ग्रेडिंग्स दिखाई दे जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, 50 मार्क्स आपने जो दिया था वो भी आ जाएगा, कितने मार्क्स आपने पर्टिकुलर बच्चों को दिए वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, बच्चे का एवरेज भी आ जाएगा, क्लास का एवरेज भी आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और आप उन चीज़ों को सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का मेरा ट्यूटोरियल था गूगल क्लासरूम से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने ग्रुप के टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ये प्रोसेस समझ में आ जाए कि उनको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं, और मेरे वीडियोस देखते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।